तो एवरीवन स्वागत है एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइस इस वक्त हूँ मैं शारजा रोला के अंदर और यहाँ से मक्का के लिए रवाना होंगे उमरा के लिए। तो यहाँ से रास्ते का आपको नज़ारा दिखाते हुए लेके चलेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे रोले के अंदर इस वक्त हम लोग बस के अंदर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइज हम लोग शारजा से निकलते हुए दुबई बॉर्डर के पास अभी हम लोग पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइज अभी हम लोग दुबई में हैं, आप देख सकते हैं दुबई के अंदर। और दुबई के अंदर यहाँ से सीधा अबू धाबी के रास्ते होते हुए जाएंगे मक्का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दुबई का नज़ारा, इतने बड़े बड़े शिप लगे हुए हैं। तो इस वक्त हम लोग शेख जायद रोड पे हैं, शेख जायद रोड से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। तो गाइज हम लोग अभी जबल अली क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो गाइज अभी हम लोग अबू धाबी के अंदर एंट्री हो चुका है, अभी अबू धाबी वाला रोड पे हैं हम लोग।
और यहाँ पे हम लोग सहामा के नज़दीक पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे विलास दिख रहे हैं। यहाँ पे ये सब अरबी लोग का घर है। तो गाइस हम लोग सहामा के अंदर एंट्री कर चुके हैं। ये देख सकते हैं ये सहामा एरिया है। सहामा दो पड़ता है, न्यू सहामा है ये सहामा का एरिया, पूरा न्यू सहामा के अंदर आता है ये। तो यहाँ पे अबू धाबी का प्रेसिडेंशियल फ्लाइट दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त दिख रहा है ये SSMC कंपनी का। तो गाइस इस वक्त जो है गाड़ी यहाँ पे रुका हुआ है खाने पीने के लिए। आप देख सकते हैं इधर के एरिया। पूरा सुनसान एरिया है इधर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब लाइन से बस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे खाने पीने के लिए और पेशाब साफ करने के लिए आदमी उतरा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन से सब बस लगा हुआ है और सब लोग जो है खाने पीने के लिए इधर उधर जा रहे हैं और पेशाब टॉयलेट करने के लिए भी जा रहे हैं। सब लोग इधर हमाम खोज रहा है, हमाम किधर है देख सकते हैं। अपना बस नंबर खोजते हुए बस देख रहे हैं किधर है बस। ये वाला और यहाँ पे कुछ भीड़ लगा हुआ है, यहाँ पे शायद टॉयलेट जा रहे हैं। देख सकते हैं सब लोग खाने के लिए उतरा हुआ है। और यहाँ पे सब लोग खा पी के अभी फिर बस रवाना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे जितने भी बस लगे हुए सब मक्का शरीफ जा रही है। तो भाई अभी हम लोग सऊदी बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पे अभी आगे बॉर्डर मिल रहा है। तो गाइस इस वक्त हम लोग हैं सऊदी बॉर्डर पे। आप देख सकते हैं लाइन से सब बसें खड़ी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब बसों का लाइन लगा हुआ है यहाँ पे। और इस वक्त हम लोग हैं सऊदी बॉर्डर पे। देख सकते हैं आप इधर पूरा बसों का लाइन लगा हुआ है इधर। ये सऊदी बॉर्डर है गाइज। आप देख सकते हैं कितने बसेस हैं यहाँ पे, लाइन लगा हुआ है सब यहाँ पे बॉर्डर पे। सब लोग लाइन लगा, कम से कम 4-5 घंटा यहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है, यहाँ पे सब बॉर्डर पे है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग
बाथरूम का लाइन लगा हुआ है, टॉयलेट का लाइन है, ये टॉयलेट के लिए लाइन लगा हुआ, देख सकते हैं कितना भीड़ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना भीड़ है, लाइन से पूरा बस खड़ा है यहाँ पे सऊदी बॉर्डर पे। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी भी सऊदी बॉर्डर पे हैं, सऊदी में एंट्री कर चुके हैं हम लोग, और ये बॉर्डर है सऊदी का, और ये बस लाइन से लगा हुआ है, ये हम लोग का बस है सामने जो दिख रहा है। तो गाइस इस वक्त हम लोग सऊदी के अंदर है, और ये देख सकते हैं ये कौन से एरिया है पता नहीं चल रहा है। तो दुकानें दिखाते हैं, होटल देखो, ये होटल रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे ये दुकानें हैं। इधर का दुकानें आप देख सकते हैं ऐसा। ये मोबाइल शॉप लग रहा है, मोबाइल शॉप लग रहा है ये। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं हम लोग सऊदी अरबिया के अंदर हैं, और ये कौन सा जगह है पता नहीं है, आप देख सकते हैं इधर का एरिया। और सुबह का टाइम है, ठंड भी लग रहा है। और ये सऊदी अरबिया का पेट्रोल पंप है, आप देख सकते हैं। खाने का, तो गाइस आप देख सकते हैं ये सऊदी का रेगिस्तान पूरा खाली खाली एरिया है, आप देख लो। पूरा खाली एरिया है। ये सब आप देख सकते हैं सऊदी का विलास। और ये सऊदी अरबिया का पहाड़ आप देख सकते हैं इधर साइड, पहाड़ स्टार्ट हो गया है। ये कौन सा जगह हम लोग आ गए भाई सऊदी में, लिखा है। तो ये कारखाना आप देख सकते हैं सऊदी अरबिया का, लाइन से कारखाना है, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है। ये क्या है, आप देख सकते हैं सऊदी अरबिया का नज़ारा बेहतरीन, छोटे छोटे विला बिल्डिंग। यहाँ पे आप सऊदी का टैक्सी देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर में है, क्या बेहतरीन दिख रहा है।
ये आप देख सकते हैं ट्रैफिक चल चुका। इधर का आप रोड देख सकते हैं, बिल्कुल पहाड़ के बीच में है। पहाड़ को काट के रोड को बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं पहाड़, ये क्या जबरदस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से। आप देख सकते हैं ये पहाड़ कितना नीचे भी घर है, कैंप है। गाइज आप सऊदी का मेट्रो देख सकते हैं, यहाँ पे सऊदी का मेट्रो स्टेशन है। ये मेट्रो ब्रिज देख सकते हैं आप ऊपर, ये रहा। तो यहाँ पे गाड़ी हम लोग का रुका हुआ है और सामने देखते हैं कुछ खाने पीने का है, पता नहीं ये कुछ पेट्रोल पंप लग रहा है। रम्स अल हाज स्टेशन, देख सकते हैं इधर का नज़ारा। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा दिख रहा है। तो गाइज हम लोग यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे एहराम बेल्ट चप्पल सब यहाँ पे है। वैसे तो मैं पहले से ही लेके आया हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब है। और ये हमारा बस रुका हुआ है यहाँ पे। तो गाइज इस वक्त हैं हम लोग मीकात के पास, यहाँ पे एहराम पहनेंगे और नियत करेंगे। दिखाते हैं, ये मीकात है, यहाँ पे हम लोग नहा के जो है और एहराम पहनेंगे और नियत करेंगे इंशाल्लाह। तो गाइस इस वक्त हम लोग एहराम बांध करके और नियत कर लिए हैं और नमाज भी अदा कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस मस्जिद में, और अभी मस्जिद अल हरम की तरफ हम लोग जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे नियत कर लिए हैं और दो रकात नफिल अदा किए हैं यहाँ पे। तो गाइस इस वक्त मैं मक्का पहुँच गया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट नंबर 79 पे हूँ मैं, ककेरिया आप देख सकते हैं। ये क्लॉक टावर है और ये गेट नंबर 79 है, इधर से दाखिल होना है। तो गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।